द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं बिहार से इस वक्त कौन सी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बिहार के डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया गया है। आपको बता दें कि बरसात के बाद जिस तरह से पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, वहां का हाल हुआ था और जहां डिप्टी सीएम रहते हैं वहां का भी वही हाल हुआ था, जिससे कि यहां की व्यवस्था खुलकर सामने आ गई कि किस तरह की व्यवस्था है। कोई भी इलाका यहां पर नहीं बचा था, क्योंकि यहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और सीएम, डिप्टी सीएम और सभी आला अधिकारी लापरवाही करते हैं। इसी के चलते इस तरह की बड़ी घटना हुई है। पूरे पटना में पानी ही पानी हो गया था, लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। बेहद गुस्से में लोग, उन्होंने डिप्टी सीएम के घर का घेराव किया है। डिप्टी सीएम और सरकार के हाय हाय के नारे लगाए हैं और जनता विरोधी बताया है सरकार को। साथ साथ उन्होंने कहा ये सरकार भी अन्य सरकार की तरह भ्रष्टाचारी है, जनता का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सारी सरकारें एक ही तरह की रहती हैं, पर इस वक्त बेहद गुस्से में बिहार की जनता, पटना की जनता और डिप्टी सीएम के घर का घेराव।